देखते हैं आपके अंदर उसका दर्द होना शुरू होता है, जो भी आप देखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, हर चीज का प्रभाव पड़ता है। तो बुद्ध को जब आप देखते हैं तो आपके अंदर जो स्वयं हुआ बुद्ध है, हम सबके अंदर राम और रावण दोनों सिर्फ और कंस ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिल्कुल शुद्ध हो, उसके अंदर अशुद्धि भी उतनी है और बुद्धि की संभावना भी उतनी है। अब साधना क्या है और प्रक्रिया क्या है, आपके अंदर जो छुपा हुआ कृष्ण है उसको जगाया जाए और आपके अंदर जो बुलबुलाता हुआ कंस है उसको शांत करें। रावण भी हम लेके चलते हैं, आप भी लेके चलते हैं, तो रावण ज्यादा महत्व न मिले हमारे अंदर ही छिपा हुआ है, बाहर नहीं है। इस संसार में जो भी अन्याय अत्याचार हो रहा है वो सबके हम लोग त्यौहार है, हमारे अंदर भी दुष्टता जितनी हुई उसी का परिणाम बाहर आ रहा है। अंदर का राम जगे उसके लिए हम साधना चलाते हैं, हमारे आशीष भैया आश्रम चलाते हैं, सेवा करते हैं लोगों की, और आदित्य जैसे लोग प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे संस प्रोड्यूस करते हैं। इसके क्या भाव है, इसकी भावना है कि हम सबके अंदर छुपा हुआ परमात्मा, हम सबके अंदर पूरी दुनिया है। मैं भी उसी दिशा में आश्रम चला रहा हूँ कि आप सबके अंदर कितनी भी संभावना है सोया हुआ खुद है, हम सब की छुट्टी हमने की पूरी संभावना लेके पैदा हुए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आज का न्यूज़पेपर, आज का टीवी, आज का माहौल हम सबके अंदर बहुत गलत चीजों को चेतना में कहा आकर्षण होता है, हमारे अंदर जो दिव्यता है उसको आह्वान करने वाले लोग भी कम है, जगह भी कम है, वातावरण भी कम है, दुष्टता बढ़ती जा रही है, इससे हिंसा बढ़ती जा रही है, सारी दुनिया में हिंसा बढ़ती जा रही है। तो इस दुनिया में इन्वर्टरी बैलेंस हो गया है, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को पीस, फ्रेंडशिप, टॉलरेंस को भी इन्वर्टर रखना होगा। तभी विश्व जुड़ते हैं, जो विश्व जो होता है एक व्यक्ति के कारण नहीं होता है, लाखों लोग जो हिंसा की भावना से खड़े होते हैं और लाखों लोगों के अंदर जो क्रोध होता है वो कई आकाशीय रिकॉर्ड से जमा होता है, उसका विस्फोट होता है कुछ लाखों के बाद, वो विश्व के रूप में बड़े बड़े रूप में ऐसा हमारे गुरु ने देखा, उसको ने देखा इन्वर्टरली वायरस और ठीक क्लाउड हो गया ऐसा नहीं होता, और तीसरा विश्व कभी भी हो सकता है, पर अब अगर तीसरा विश्व हुआ इतना भयावह हो क्योंकि हमारे पास विज्ञान ने और शक्ति दी, इतना भयावह होगा कि हम कल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब प्रेम को भी इन्वर्टर करो, ध्यान को भी इन्वर्टर करो, और टॉलरेंस एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के धर्म का सम्मान, एक दूसरे की आस्था का सम्मान, एक दूसरे की विचार, क्योंकि संसार सारा उपद्रव है। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है और मेरा ही धर्म है और मेरे ही विचार है। परमात्मा ने ऐसे हम लोगों को बनाया है, सबके अंदर यह अहंकार है, जो जिस पाथ पर मैं चल रहा हूँ सर्वश्रेष्ठ है, और मुझसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं है और मुझसे अच्छा भला भी कोई नहीं है, इसके भ्रम हम सब कहते हैं और इसी को अहंकार कहते हैं, और यही अहंकार सारे समस्याओं की जड़ है, और इस अहंकार की औषधि जो है वह है ध्यान, वह है संगीत।
खुशबू सा महकता है, एक ठंडा हार सुलगता है, कहीं कोई किसी के याद में एक आह चुपती सुलगता है। बारिश की मजबूती है, नजरों की कहानी है, कहानी को पुरानी है, पर लगता सब तो रुहानी है। एक मीठा दर्द उठता है, एक गीत सा अंदर गूंजता है, अरमानों के तूफान में एक सन्नाटा भी रहता है, एक कविता छलकता है पर बेजुबान सा लगता है, एक आंसू आंख से निकलती है और मुस्कुराहट से मिलती है, क्या सोचती क्या खोजती वो पगली वही फेंक हो जाती है, ऐसे ही हो जाती है। बारिश की हर बूंद में लहरों की कहानी है, कहानी तो पुरानी है पर लगता सबको रुहानी है।